हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे वोकेबलरी का पार्ट थ्री। ये मैं वोकेबलरी की सीरीज चला रहा हूँ सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, और इसमें जो हाईली इंपॉर्टेंट वोकेबलरी वर्ड्स हैं, जो करेंट वोकेबलरी के वर्ड्स हैं जो सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, वो मैं डिस्कस करूँगा। और इसमें साथ ही आपको रिवाइज भी कराऊँगा सारे वर्ड्स, ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकें। तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर, तो उस पार्ट को आप जरूर देखें। अब यहाँ से थर्ड पार्ट मैं डिस्कस करूँगा। देखिए, ये नेक्स्ट जो वर्ड है ये है विंडिक्टिव। देखिए, ये दो वर्ड हैं जो कि काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। एक है विंडिक्टिव और एक है विंडिकेट। एक है विंडिक्टिव और एक है विंडिकेट। विंडिक्टिव जो होता है उसका मतलब होता है बदला लेने वाला, रिवेंजफुल। देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं टेक टू सीक रिवेंज या रिवेंजफुल। रिवेंज होता है बदला, रिवेंजफुल बदला लेने वाला। तो विंडिक्टिव होता है रिवेंजफुल, विंडिक्टिव होता है रिवेंजफुल। जबकि विंडिकेट का मतलब होता है किसी चीज को जस्टिफाई करना। देखिए, इसके दो मीनिंग होते हैं विंडिकेट के। एक तो किसी व्यक्ति के ऊपर जो आरोप लगा हुआ है उससे उसको मुक्त करना, क्लियर समवन ऑफ ब्लेम, और जस्टिफाई समथिंग, किसी चीज़ को जस्टिफाई करना, प्रमाणित करना कि ये चीज़ सही है, उसको भी हम विंडिकेट बोलते हैं। विंडिकेट का मतलब किसी को ब्लेम से क्लियर करना भी होता है। विंडिक्टिव का मतलब होता है रिवेंजफुल। ठीक है, देखिए, एक ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफ़ी बार ये कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, फ्रेट, FRET। क्या मतलब इसका फ्रेट का? टू बी नर्वस और वरीड, और वरी अननेसेसरली और एक्सेसिवली अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में चिंता करना, फिक्र करना, वरी करना। ठीक है, और फ्रेट के जो सिमिलर वर्ड्स हैं वो क्या हैं? पाइन, बॉदर, एगोनाइज, ब्रूड और फस। ठीक है, तो ये वोकेबलरी, हालांकि मैं यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, सारे वीडियो क्लासेस आप देख सकते हैं, लेकिन यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको इस वेबसाइट पर आना होगा englishiq.in, और यहाँ पर इस वोकेबलरी को आप इस वोकैब पार्ट में इसमें आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर इसको, क्योंकि बार बार पढ़ने से ये वोकेबलरी वर्ड्स आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। देखिए, एक ये वर्ड है डिसाइफर, इसको हम पढ़ते हैं DECIPHER। डिसाइफर का मतलब जैसे कोई कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड है, कठिन है, तो उसको डी कोड करना, इसका मतलब क्या है वो निकालना, उसके मतलब को इंटरप्रिट करना। टू सक्सीड इन अंडरस्टैंडिंग और फिगरिंग आउट द समथिंग दैट इज कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और सॉल्व, मतलब किसी कोड को डी कोड करना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, किसी चीज़ का मतलब निकालना, उसको हम बोलते हैं डिसाइफर। इसके लिए हम इंटरप्रिट भी बोल सकते हैं, इंटरप्रिट, डी कोड और डी क्रिप्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल का क्या मतलब है? समथिंग वेरी बैड और अनप्लीजेंट, कॉजिंग हेटरेड और समथिंग डिजर्विंग टू बी हेटरेड और क्रिटिसाइज। डेस्पिकेबल मतलब जो शर्मनाक है, जो निंदनीय है। समथिंग वेरी बैड, कोई भी चीज बहुत ही खराब, अनप्लीजेंट और कॉजिंग हेटरेड, जिससे आपको नफरत हो, कोई भी ऐसा क्राइम हो सकता है, कोई भी बहुत सी बेकार चीज हो सकती है, उसको हम बोलते हैं डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल काफी अच्छा ये वर्ड है। चलिए नेक्स्ट वर्ड मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इबुलिएंट। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी बार ये एग्जाम्स में पूछा गया है। EBULLIENT, इबुलिएंट, समवन हु इज फुल ऑफ एंथुजियाज्म एंड एनर्जी, चीयरफुल, एग्जुबिरेंट, बायंट, जॉन्टी, एलेटेड, यूफोरिक, एनिमेटेड, ये हैं इसके सिनोनिम्स। तो इब्यूलियंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा से भरा हुआ, खुश और चीयरफुल। ठीक है, जॉन्टी इसको हम बोल सकते हैं, एलेटेड बोल सकते हैं, यूफोरिक बोल सकते हैं, एनिमेटेड बोल सकते हैं। देखिए, एनिमेटेड जो वर्ड है इसका मतलब एनिमल से नहीं है। एनिमेटेड, देखिए, आपने एनिमेशन फिल्म देखी होंगी, एनिमेशन फिल्म में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सारे जो करेक्टर्स होते हैं बहुत ज़्यादा चीयरफुल और हंसते खिलखिलाते हुए दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा ऊर्जावान दिखाई देते हैं। तो यही मतलब होता है एनिमेटेड का। एनिमेटेड मतलब एंथुजियास्टिक या एक्साइटेड। और इसका यदि एंटोनिम देखा जाए एनिमेटेड का, तो क्या होगा इसका एंटोनिम? इसका एंटोनिम होगा डल, एनिमेटेड का।
ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड के ऊपर, हडल। देखिए मैंने यहाँ पर मिलते जुलते वर्ड लिए हैं, एक लिया है हडल, एक लिया है मडल और कडल, मेडल, ये सारे वर्ड मैं एक्सप्लेन करूँगा। देखिए हडल का मतलब क्या है, टू कम क्लोज टुगेदर टू मेक ए ग्रुप बाय होल्डिंग योर हैंड्स, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब जैसे आप क्रिकेट मैच देखते होंगे और क्रिकेट मैच जैसे इंडिया का शुरू होता है तो सारे लोग एक ग्रुप बना लेते हैं, कंधे में कंधे से हाथ डाल लेते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं, सभी लोग आपस में एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं कि ये मैच जीतना है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हडल। टू कम क्लोज टुगेदर टू मेक अ ग्रुप बाय होल्डिंग योर हैंड्स, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्रिकेट से इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं, क्रिकेट में मैच शुरू होने से पहले नॉर्मली इंडियन क्रिकेट टीम को आपने देखा होगा, वो हडल करते हैं, ठीक है। और इसका सिनोनिम क्या होगा? इसका सिनोनिम क्लस्टर हो सकता है, क्लस्टर भी एक ग्रुप ही होता है। मडल क्या है? मडल अ मैसी अनटाइडी और कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ पीपल और थिंग्स। इफ यू आर इन ए मडल यू आर इन ए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, एंड इफ थिंग्स आर इन ए मडल दे आर इन ए स्टेट ऑफ डिसऑर्डर कंफ्यूजन बिवाइल्डरमेंट। देखिए अगर आप बोलते हैं कि आई वॉज इन ए मडल, मतलब आई वॉज कन्फ्यूज या आई वॉज परप्लेक्स्ड, तो कन्फ्यूजन या डिसऑर्डर के लिए हम मडल वर्ड को यूज करते हैं। हडल का मतलब है क्लोज टुगेदर, आप टू कम क्लोज टुगेदर, ठीक है। मडल का मतलब है कन्फ्यूजन की जो स्थिति होती है उसको हम बोलते हैं मडल, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, कडल। अ प्रोलॉन्ग्ड एंड अफेक्शनेट हग टू शो लव, टू शो लव, और इसके सिनोनिम जो हैं वो हैं हग, एम्ब्रेस। कडल का मतलब जैसे हम बच्चे को एक प्यार करते हैं, गोदी में लेके उसको प्यार करते हैं, उसको हम बोलते हैं कडल। कडल सम भी एक वर्ड है, कडल सम मतलब है इसका प्लीजेंट टू कडल, ठीक है, प्लीजेंट टू कटल, प्यारा, एडोरेबल जिसको हम बोलते हैं, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कडल सम। कडल अप टू समवन मीन्स सिटिंग वेरी क्लोज टू समवन एंड पुटिंग आर्म्स अराउंड हिम और हर। कडल अप टू समवन भी हो सकता है, ठीक है। और मेडल, ये तो सिंपल वर्ड है, मेडल का मतलब होता है इंटरफियर करना। तो मैंने जानबूझ के कंफ्यूजिंग वर्ड पास पास इसलिए लिखे हैं ताकि आपको इनको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो, ठीक है। कडल का मतलब होता है प्यार करना, जैसे हम बच्चे को प्यार करते हैं, मेडल मतलब इंटरफियर करना, और मडल का मतलब कंफ्यूजन होता है, हडल का मतलब टू कम क्लोज टुगेदर होता है। तो ये सारे वर्ड्स हैं, चलिए आगे कुछ वर्ड्स और देखते हैं। जिटरी, इसका क्या मतलब है? इफ समवन इज जिटरी दे फील नर्वस और बिहेव नर्वसली। नर्वस, देखिए इसके लिए एक वर्ड है ऑन एज, ऑन एज का मतलब भी नर्वस होता है, एजी, स्ट्रेस आउट। इफ समवन इज जिटरी दे फील नर्वस और बिहेव नर्वसली, ठीक है। तो ये भी एक काफी अच्छा वर्ड है जिटरी। अब आ जाइए मर्थ। मर्थ का क्या मतलब है? अम्यूजमेंट एक्सप्रेस्ड बाय लाफिंग, अम्यूजमेंट, हिलेरिटी, ग्ली, डिलाइट, ये इसके सिनोनिम्स हैं। मर्थ का मतलब होता है हंसी मजाक या खुशी, और बोर्डम जो होगा वो इसका एंटोनिम होगा मर्थ का। प्लीज नोट दैट ग्ली इज डिलाइट वेयर एज ग्लीन इज कलेक्टिंग और गैदरिंग। देखिए दो वर्ड मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए, ग्ली, ग्ली का मतलब होता है खुशी, ग्ली, जबकि ग्लीन का मतलब होता है कलेक्ट करना, ठीक है। अपेंड का मतलब होता है एड और अटैच किसी चीज को, जैसे जो दो कागजों को हम जोड़ते हैं, पेपर्स को जोड़ते हैं, उसको बोलते हैं अपेंड। फ्लिमजी मतलब बहुत ही ज्यादा कमजोर, बहुत ही ज्यादा डेलिकेट, नाजुक, उसको हम बोलते हैं फ्लिमजी। एनीथिंग दैट इज बैडली मेड एंड वीक, उसको हम बोलते हैं फ्लिमजी। फ्रेजाइल भी इसके लिए वर्ड है, डेलिकेट इसके लिए वर्ड है, इनसब्सटेंशियल भी इसके लिए वर्ड है, फीबल इसके लिए वर्ड है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं रिकेल्सीट्रेंट।
रिकेल्सिट्रेंट, अ पर्सन हैविंग एन ऑब्स्टिनेटली अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड टुवर्ड अथॉरिटी और डिसिप्लिन, डिसऑबीडियंट, अनरूली, इंट्रैक्टेबल, रिफ्रैक्टरी, बीवर्ड. रिकेल्सिट्रेंट का मतलब होता है जिसका अवज्ञापूर्ण बिहेवियर होता है, जो अथॉरिटी की बात नहीं मानता है, उसको हम बोलते हैं रिकेल्सिट्रेंट. अनरूली होता है, इंट्रैक्टेबल होता है, डिसऑबीडियंट होता है. रिफ्रैक्टरी भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिफ्रैक्टरी. तो इन वर्ड्स को आप जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतने अच्छे तरीके से ये वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे. फैटर का क्या वर्ड है? फैटर्स एक्चुअली जो जो हथकड़ी होती है उसको भी हम फैटर बोलते हैं, ठीक है. हथकड़ी नहीं, जो पैरों में जो पहनी जाती है, पैरों को जिससे बांधा जाता है, उसको भी फैटर्स बोलते हैं. हथकड़ी को एक्चुअली हैंड कफ्स बोलते हैं. परफीडियस, परफीडियस मतलब फेथलेस, जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते, फेथलेस. और ग्रोटेस्क का मतलब होता है अगली, ठीक है. तो इस वीडियो क्लास में मैं इतने ही वर्ड एक्सप्लेन करूंगा, इनको एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, तो ताकि आपको अच्छे तरीके से ये वर्ड याद हो जाए. देखिए, विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है? रिवेंजफुल, बदला लेने वाला. विंडिक्टिव, विंडिकेट मतलब जस्टिफाई करना. डिसाइफर, किसी चीज को एक्सप्लेन करना या उसका मतलब निकालना. डेस्पिकेबल, जिससे नफरत हो, जिससे घृणा हो, उसको हम बोलते हैं डेस्पिकेबल. इब्यूलिएंट, बहुत ज़्यादा खुश मिजाज, इब्यूलिएंट. हडल, जैसे क्रिकेट में हम हडल करते हैं, आपस में क्लोज टुगेदर मिलते हैं, ठीक है. मडल, अ मैसी और अनटाइडी और कन्फ्यूज्ड स्टेट ऑफ पीपल, मडल, ठीक है. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम देखते हैं कडल, प्यार करना, जैसे हम एक बच्चे को प्यार करते हैं, कडलसम. कडलसम मतलब प्लीजेंट टू कडल. मेडल मतलब इंटरफियर. जिटरी मतलब नर्वसनेस, जिटरी. मर्थ का मतलब होता है खुशी, अम्यूजमेंट, ठीक है. ग्री का मतलब डिलाइट, ग्लीन का मतलब कलेक्ट करना. अपेंड, अटैच करना. फ्लिमजी, डेलिकेट. रिकेल्सिट्रेंट, रिकेल्सिट्रेंट मतलब डिसऑबीडियंट. इसके लिए रिफ्रैक्टरी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है. फैटर मतलब होल्ड करना. परफीडियस मतलब फेथलेस. ग्रोटेस्क मतलब अगली, ठीक है. तो इस वीडियो क्लास में मैं इतने ही वर्ड डिस्कस करूंगा. नेक्स्ट जो वर्ड्स हैं इस पूरी सीरीज के, वो मैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में डिस्कस करूंगा. इन वीडियो क्लासेस की पूरी सीरीज को जरूर देखिए. मेरे जो दूसरे वीडियो क्लासेस हैं इंग्लिश एडवांटेज चैनल पर, उनको भी आप जरूर देखिए. वीडियो क्लासेस को शेयर आप जरूर करें. कमेंट करके बताएं कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है. कमेंट आप जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. ये पूरी सीरीज यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो englishiq.in, यहाँ पर आप आके इस सेक्शन में आपको जाना है वोकैबलरी में. इसमें इंग्लिश सेक्शन में ये सारी वोकैबलरी आपको मिल जाएगी, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं. और इन पोस्ट को प्लीज़ यहाँ से शेयर आप ज़रूर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी मेरे इस प्रयास के बारे में पता हो. यहाँ से भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है. चलिए, तो इस वीडियो क्लास में इतना ही. अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो क्लास में मिलूंगा और नेक्स्ट वर्ड में वहाँ पर आपसे डिस्कस करूँगा. थैंक यू.